हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम रहमान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनआरसी के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के द्वारा बहुत सारा ऐसा कमेंट है कि एनआरसी में जिन जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया है, उन लोगों को फिर से जो है कब मौका मिलेगा फिर से आवेदन करने के लिए। तो इस बारे में अभी तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन कब उनको मौका मिल सकता है इसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। देख लेना, जान लेना कब उनको मौका मिल सकता है। तो उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा के रख लीजिए नए इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया कि इसके बारे में अभी तो कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है कि कब उनको जो है फिर से मौका जो है क्लेम करने का या आवेदन करने का मौका मिलेगा जिन लोगों ने 2015 में एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने एनआरसी का जो हेल्पलाइन सेंटर 15107 पर कॉल किया था। अब जो है फिलहाल में उस नंबर पर कॉल नहीं लग रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले उनको बताया था कि जिन लोगों ने 2015 में आवेदन नहीं किया है एनआरसी के बारे में, उन लोगों को फिर से कब मौका मिलेगा। तो उन्होंने बताया जो है 31 जुलाई में जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने वाला है, एनआरसी का फाइनल लिस्ट पब्लिश होने वाला है, उसके बाद ही शायद उन लोगों को फिर से जो है आवेदन करने का मौका मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, लेकिन आप लोगों के द्वारा इतने सारा कमेंट आया है इसी जो है कमेंट जो है इसी टॉपिक के बारे में कि कब उनको जो है फिर से क्लेम करने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अगर आपके पास कोई दोस्त है जो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियो को कमेंट जो है शेयर करना उनके साथ, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा कर रख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तो के लिए जय हिंद, जय भारत।